यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि यदि मार्केट में दोबारा से क्रैश आ गया या कोरोना जैसा पैंडेमिक आ गया, जैसे कि अभी खबरें आ रही हैं, तो क्या हमारे स्टॉक्स बर्बाद हो जाएंगे, हमारा स्टॉक मार्केट में किया गया निवेश जीरो हो जाएगा? तो सिंपल सा यदि आपको इसका आंसर बताऊं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल में। आज की इस वीडियो में बहुत ही जरूरी जानकारी, जो मुझे लगता है कि हर एक इन्वेस्टर को, खासकर जो रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में नए नए आते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स खरीद लेते हैं जिनकी कि उनको जानकारी नहीं होती है कि ये स्टॉक्स के फंडामेंटल कैसे हैं, प्लस कितने टाइम तक वो स्टॉक उनको होल्ड करना चाहिए। आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको कि ध्यान में रखकर यदि आप मार्केट में निवेश करोगे तो आने वाले समय में कितना भी बड़ा मार्केट क्रैश आ जाए, भले ही वो एक दिन में सेंसेक्स 10-20% भी डाउन हो जाए, जैसा कि पिछले समय में लगभग 13% तक हाईएस्ट सिंगल डे में सेंसेक्स में गिरावट आई थी, यदि ऐसी भविष्य में गिरावट आती है तो उस समय में आपको क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में आपको निवेश करना है, वो तो मैं आपके साथ पहले ही साझा कर चुका हूं। लेकिन यदि भविष्य में आने वाले 2-4 महीने में, 1-2 साल में ऐसा कुछ पैंडेमिक या फिर ऐसा मार्केट क्रैश आता है, अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं जैसे कि आपसे हमेशा डिस्कस करता हूं कि जब हम मार्केट में निवेश करते हैं, खासकर शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट जैसे कि आपको पता वोलेटाइल है, और वोलेटिलिटी इसके अंदर है, यही इसकी ब्यूटी है, खासियत है, प्रॉपर्टी है। क्योंकि यदि शेयर मार्केट एक फिक्स्ड रिटर्न देने वाला हो गया तो यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाएगी, प्लस यहाँ से जो बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होने के किस्से आपको सुनने को मिलते हैं ना, वो कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिक्स्ड होने का मतलब क्या है, एक लिमिटेशन लग जाएगी अर्निंग पर, रिटर्न पर एक लिमिट लग जाएगी। जैसे कि बैंक में आप एफडी करते हो तो एफडी पर एक निश्चित ब्याज मिलता है आपको, भले ही वो 5% से लेकर 8-9% कितना भी हो, ठीक है। यहाँ पर भी यदि स्टॉक मार्केट में निवेश पर जो रिटर्न पर एक लिमिट लग गई कि भले ही वो 15% की लग जाए, लेकिन उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी है मार्केट की, यहाँ पर लोग 1 लाख रुपए के 2 लाख भी बनाते हैं और 1 लाख के 1 करोड़ भी बनाते हैं और 10 करोड़ भी बनाते हैं, तो ये वाली जो खासियत है स्टॉक मार्केट की वो खत्म हो जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पहले तो हमें वही पैसा मार्केट में लगाना है जिसकी कि हमें जरूरत नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं निवेश कर रहा हूँ किसी स्टॉक में, आज मैं ये सोचकर उसको खरीद रहा हूँ कि अगले 10 साल तक मैं इस स्टॉक में निवेशित रहूंगा और ये पैसा जो मैं इस स्टॉक में लगा रहा हूँ मुझे इसकी अगले 10-15 साल जरूरत नहीं है, तभी मैं इसमें निवेश कर रहा हूँ, और बाकी मेरे पास इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए। यदि कुछ निकट भविष्य में मुझे ऐसे खर्चे करने हैं तो उसके लिए फंड मेरे पास पहले से होना चाहिए, भले ही वो फिक्स्ड डिपॉजिट में हो या फिर गोल्ड में निवेश कर रखा हो आपने या फिर बॉन्ड में निवेश कर रखा हो। ये सब प्लानिंग करने से होगा क्या कि जो आपने निवेश किया है स्टॉक मार्केट में पैसा अगले 10-15 साल सोच समझ कर, तो वो आपको इमरजेंसी में विदड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अनफॉर्चुनेटली यदि कोई मार्केट क्रैश आ गया और उसी समय आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तब आपको गिरावट में अपने जो है शेयर्स बेचने नहीं पड़ेंगे। तो ये काम सबसे जरूरी है, जब भी मार्केट में निवेश करो ये सब बात को ध्यान में रख के ही निवेश करें। दूसरा, जब भी मार्केट में गिरावट आती है उस समय आपको डरना नहीं है, उस समय आपको डू नथिंग की स्ट्रेटजी जो है अप्लाई करनी है, मतलब आपको कुछ नहीं करना। यदि आप अच्छे स्टॉक्स खरीद चुके हो और आपको लगता है कि आपके स्टॉक से फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपकी जिस सेगमेंट में, जिस सेक्टर में, जिस स्टॉक्स में निवेश किया है अगले 15-20-50 साल भी उनमें कुछ नहीं होने वाला है, कोई मतलब उनमें ऐसा नहीं होने वाला है कि बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट या सेक्टर गिर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा सब, पिछले 50 सालों से कंपनियाँ चल रही हैं और अगले भी 50-100 साल तक वो चलती रहेंगी, जब तक दुनिया रहेगी इन प्रोडक्ट्स की जरूरत बनी रहेगी। तो यदि ऐसी कंपनीज में आपने निवेश किया हुआ है तो आपको शांति से बैठने की जरूरत है, आपको कुछ नहीं करना है वहां पे, भले ही आपका जो पोर्टफोलियो है वो 20% 30% 50% इवन 60% तक भी डाउन हो जाता है ना, तो आपको डरना नहीं है बस। हाँ, थोड़ा सा डर तो लगता है कि मार्केट इतना क्रैश हो गया और पोर्टफोलियो मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए निवेश करें और वो डाउन होकर गिरकर 4 लाख या फिर 5 लाख पर भी आ गया, आधा हो गया या फिर 60% डाउन हो गया, तो यहां पर एक माहौल तो थोड़ा बिगड़ जाता है। लेकिन जब यदि आपको मोटा पैसा कमाना है तो मार्केट क्रैश से ऐसे ही डील किया जाता है। ये तो उन लोगों के लिए हो गया पहला पॉइंट, जिन लोगों ने निवेश कर लिया अच्छे स्टॉक्स में लंबे समय के लिए, एक्स्ट्रा फंड अभी उनके पास नहीं है। लेकिन यदि आपके पास एक्स्ट्रा फंड है, जो कि होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग होते हैं जिनको कि पता है मार्केट से पैसा कैसे बनाना है, बड़ा वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है, तो वो लोग हमेशा ऐसे पैंडेमिक से पहले या फिर हमेशा अपने पास एक जो है ना बफर कैश जमा रखते हैं। बफर कैश का मतलब है कि ऐसा एक्स्ट्रा कैश अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में हो गया उनका, जब मार्केट में गिरावट आएगी उसी कैश से वो
अपने जो बढ़िया बेहतरीन वाले स्टॉक हैं, शानदार वाले, जो कि वो चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का स्टॉक हो गया, या फिर आईटी सेक्टर की कोई दिग्गज कंपनी हो गई, या बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की कोई दिग्गज कंपनी हो गई, टॉप टू कंपनीज आप पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल वो ऑन एन एवरेज चलती हैं 1000 रुपये के आसपास, मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई, स्टॉक टूट गया 20%, 30%, 1000 का स्टॉक मिल गया 700 रुपये में, ऐसा भी हुआ है 700 के 1000 का स्टॉक 500 रुपये में भी मिला है पिछले पैंडेमिक के दौरान 2020 यदि मार्च की मैं बात करूं तो यहां पर स्टॉक 50% तक टूट गए थे। तो जिन्होंने वहां पर निवेश किया उनके पैसे दुगने तिगने चार गुने हो चुके हैं, लेकिन जो वहां पर डरकर अपने गिरावट में पैसे निकालकर बाहर गए मार्केट से, तो उन लोगों को आज की डेट में बहुत बुरा लगता है कि हमने काश उस समय अपना निवेश निकाला नहीं होता, कंटिन्यू रखा होता तो हमारे पास भी एक अच्छा खासा पैसा आज की डेट में होता। तो ये जो स्ट्रेटजी है कि जब मार्केट गिरे अपने पास जो आपके पास फंड है उसी समय आपको अच्छे स्टॉक्स खरीदने हैं, कंडीशन यही है, आपको कूड़ा स्टॉक नहीं खरीदने हैं, आपको बेहतरीन वाले अच्छे वाले फंडामेंटल्स जिन स्टॉक्स के हैं, जो कि मार्केट कैप जिन कंपनीज का लगभग मान लीजिए 10,000 करोड़ से ऊपर का है, ROCE जिनका 15-20% से ऊपर है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5% से भी कम है, जब हमें अच्छे स्टॉक्स, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक अच्छे प्राइस पर मिलेंगे तब मैं उसमें से सोना ही खरीदूंगा, और सोने में से भी हीरे यदि मुझे मिलेंगे तो मैं हीरे खरीदने की कोशिश करूंगा, क्यों लोहा या फिर दूसरे मेटल खरीदूंगा, तो मैं तो अच्छा से अच्छा खरीदना चाहूंगा, जब मुझे सेम प्राइस में बढ़िया चीज मिल रही तो बढ़िया ही खरीदूंगा ना। तो ऐसे मौके बहुत कम बार आते हैं, और जिन लोगों ने ऐसे मौके देखे हैं वही वेल्थ भी क्रिएट करते हैं। और हमेशा कोई यदि स्टॉक मार्केट में निवेश करता है तो यदि वो 10-15 साल के निवेशित रहेंगे तो आप यदि पिछला रिकॉर्ड भी देखोगे, जैसे कि मैं आपके साथ साझा करूंगा इस वीडियो में कि पिछले मार्केट में कब कब बड़े बड़े सिंगल डे में गिरावट आए हैं, तो वो लोग ऐसे मौके पर अच्छे शेयर्स को गिरावट में खरीदते हैं, प्लस लंबे समय में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो उदाहरण के लिए आप लोगों ने भी देखा होगा जब कोरोना 2020 में आया था तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के बहुत बुरे हालात थे, लेकिन जिन लोगों के पास पैसे थे उन लोगों ने अच्छे स्टॉक्स कम प्राइस पर खरीदे। एक सिंगल डे में गिरावट की यदि बात करूं 23 मार्च 2020 को यहां पर एक सिंगल डे में 13.15% की गिरावट आई थी सेंसेक्स में। पॉइंट्स की यदि बात करें तो यहां पर 3943 पॉइंट्स की गिरावट सेंसेक्स में एक दिन में आई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, देखिए आज की डेट में अभी जिस समय वीडियो बना रहा हूं सेंसेक्स जो है 60,826 पॉइंट्स पर चल रहा है, और यहां पर 2020 की यदि बात करूं अप्रैल 3 2020 को सेंसेक्स था 27,590 रुपए, यानी कि पिछले 2.5 साल पहले सेंसेक्स लगभग 50% डाउन था। तो उस समय आपको शेयर खरीदने का सबसे बड़ा मौका था। और अभी जैसे कि खबरें आ रही हैं कि कोरोना दोबारा से आ रहा है, कोविड आ रहा है, अच्छा एक बात सुनो, यदि मान लीजिए मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ गई, जैसे कोरोना आया, कोविड आया है, ऐसा कोई पैंडेमिक आ गया, क्लाइमेट को चेंज ऐसा हो गया, मान लो मानव प्रकृति को ही नुकसान होने का कुछ संभावना ऐसी बन गई, तो यदि मानव प्रकृति नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे पैसे का, और क्या करेंगे स्टॉक मार्केट का। तो जो फंड आपके पास है आप रिस्क लेकर अच्छे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो ऐसे समय में, यही वो समय है जो कि आपको अमीर बनाता है, जो कि आपको इतना पैसा क्रिएट करके देगा यदि आपने, कंडीशन यही है कि अच्छे स्टॉक्स में अच्छे भाव पर निवेश किया, क्योंकि भाव ही भगवान होता है, यदि आपको अच्छे स्टॉक भाव पर मिल गए तो आपकी बस बल्ले बल्ले है, आपको इतना पैसा मिलेगा भविष्य में कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक अर्ली रिटायरमेंट वाली एज को एंजॉय कर पाओगे, आप अपने जो ओल्ड एज होता है ना सीनियर सिटीजन वाली एज उसको भी एंजॉय कर पाओगे। तो ये ऐसे समय में मैं खासकर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको ऐसे पैंडेमिक में जब ओवरऑल मार्केट डाउन हो, ऐसा नहीं है कोई सेक्टर ही डाउन हो गया, कोई सेगमेंट डाउन हो गया, या कोई शेयर पर्टिकुलर किसी कमी से डाउन हो गया तब उसको खरीद लो, बिल्कुल नहीं, उस स्टॉक से डर के रहना है, दूर रहना है, फंडामेंटल चेक करने की, उसकी न्यूज देखनी है हमें कि ये गिरा क्यों है, इसका दूसरा जो पीयर है वो तो अच्छा चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी सेगमेंट के दो स्टॉक हैं, टॉप थ्री स्टॉक को आप देख लो, उनमें से केवल एक क्यों गिरा हुआ भाई, इसके साथ तो कुछ पर्टिकुलर कुछ गड़बड़ है ना, कंपनी में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी दिक्कत ना हुई हो कि कंपनी मतलब दिवालिया ही हो जाए, इंसॉल्वेंसी आ जाए कंपनी में। तो ऐसे स्टॉक से बच के रहना है, और इसीलिए फंडामेंटल्स को मैं हमेशा ट्रैक करने के लिए बोलता हूँ कि आने वाले जो उसके कंपनी के हालात हैं वो फंडामेंटल से काफ़ी हद तक पता लग जाते हैं। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो कि पनिशमेंट देता है बहुत तगड़ा करके, रिव्यू करता है बहुत खतरनाक तरीके से, यदि किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब जा रही है तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, स्टॉक मार्केट खुद ही उसको पनिश कर देगा। पनिश करने का मतलब क्या है, इतना खतरनाक तरीके से उसका रिव्यू होगा कि कोई कंपनी के यदि क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे नहीं है तो क्या लगता है आपको वो ऊपर जाएगा, वो नीचे ही जाएगा।
तो यहां पर इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सचेत रहने की जरूरत है कि हाँ ये स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है, किसी पर्टिकुलर कारण की वजह से। तो वहां पर ऐसे समय में तो बहुत सारी कंपनी डाउन जाती हैं, उसी समय मौका होता है अच्छे शेयर्स को खरीदने का। उम्मीद करता हूँ एक मोटिवेशन आपको इस वीडियो से शायद मिलेगा, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। नंबर वाला खेल इसके अंदर नहीं था, कोई स्टॉक की चर्चा नहीं थी स्पेसिफिक, लेकिन ये इस तरह की जानकारी सभी को होना स्टॉक मार्केट में निवेश करने की पहली सीढ़ी, पहला कदम है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक मार्केट में निवेश कर देते हैं लोग, और निवेश करके वो बाहर भी रहते हैं मार्केट से, इन चीज़ों से वो अनजान रहते हैं। यदि इन चीज़ों को जानकर उनको समझेंगे, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप इन चीज़ों पर अमल नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे इन चीज़ों को, इस प्रिंसिपल को आप अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, तब इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है आपको। यदि आप एग्जीक्यूट कर लोगे, हाँ ठीक है मैंने सारी बातें बता दी, जरूरी नहीं कि इन सबको मान लो, आप अपनी और स्टडीज करो, कहीं और से आपको कुछ डेटा मिलेगा उसको पढ़ो, कोई बुक्स है उसको पढ़ो, वहां से डेटा कलेक्ट करो, लेकिन ओवरऑल जो इसका निकल कर आएगा, तो वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और बाकी जो भी नए निवेशक आपके ग्रुप में हैं, आपके रिलेशंस में हैं, आपके मित्र हैं, उन लोगों के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर साझा करें, जिससे कि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, एक बेसिक मिथ जो है, जो कि ऐसा लगता है कि डर जाते हैं बहुत ज्यादा लोग, वो उनके अंदर इस तरह की भावनाएं पैदा ना हो और स्टॉक मार्केट से पैसे कमा पाए। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, बाकी लोगों के साथ भी साझा कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।